जैसा कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं, हमारे एयरटेल के नंबर पे 5G डेटा चलने लगी, 5G सर्विस चलने लगी। दोस्तों मैं लाइव स्क्रीन पर हूँ, आइए बताते हैं एयरटेल की अनलिमिटेड मिलने वाली 5G डेटा को हम कैसे एक्टिवेट करें, कैसे सेट करें, आइए पूरा तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में ही जाना होगा, और एक बात आपको पहले ही बता देना चाहूँगा, आपके पास एक 5G मोबाइल होना अनिवार्य है, और साथ में आपके पास एक 239 रुपये का रिचार्ज भी आपके सिम पर होना चाहिए, तभी इस ऑफ़र का लाभ आप ले पाएंगे। यदि आप इतना फुलफिल करते हैं तो आइए हमारे साथ आगे बढ़िए, आपको बताते हैं फिर कैसे कैसे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आना है, मैं दोबारा से बताना चाहूँगा। मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ही ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, नीचे यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे दिखेंगे, तो यहीं पर एक ऑप्शन होगा सिम कार्ड या फिर मोबाइल नेटवर्क के नाम से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बस इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, मोबाइल नेटवर्क वाले पर, ठीक है। जैसे ही मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी सिम दिखाई देगी एयरटेल की, आपको एयरटेल के सिम पर क्लिक कर देना है। जैसे एयरटेल के सिम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, यहीं पर एक ऑप्शन होगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, सिंपल है, आपको इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे 5G 4G 3G 2G ऑटो जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है इसको चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन होगा एक्सेस पॉइंट नेम का, इस पर क्लिक करिएगा, कोने पर तीन बिंदी होगी 3 डॉट, इस पर क्लिक करके रीसेट एक्सेस पॉइंट करके और रीसेट कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि नई वाली APN सेटिंग आपके मोबाइल फ़ोन में रिसीव हो जाएगी। अब यहाँ से बैक आ जाइएगा, बैक आने के बाद आपको करना क्या है, एक बार और बैक आना है, और यहीं पर नीचे एक ऑप्शन होगा मोर सेटिंग का, तो मोर सेटिंग पे क्लिक करिएगा। अब यहीं पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्मार्ट 5G के नाम से, यदि बंद होगा तो इसको चालू कर लीजिएगा। यदि ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तो चालू कर लीजिएगा स्मार्ट 5G का, यदि आपके फ़ोन में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से बैक आ जाइएगा, ठीक है, पूरा बैक आ जाइएगा। अब आपको करना क्या होगा, अब आपको जाना होगा गूगल के प्ले स्टोर में, और यहाँ पे सर्च बार में आपको लिखना है, सर्च बार में टाइप करिएगा एयरटेल थैंक्स, ठीक है, यही लिख के सर्च करिएगा, इसी नाम की एक एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन करिएगा, पहली बार जब आप ओपन करेंगे ना तो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, फिर उस पर एक OTP आएगा, OTP डाल दीजिएगा और आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। जब आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ही ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब नीचे की तरफ स्लाइड करिएगा, स्लाइड करिएगा, शॉर्टकट के नाम से एक ऑप्शन होगा और यहीं पर लिखा होगा 5G प्लस क्लेम अनलिमिटेड 5G डेटा, इसके आगे एक तीर बनी होगी, इसी तीर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस तीर पर क्लिक करेंगे ऑप्शन है, थोड़ा सा लोडिंग करेगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेश होगा जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिकेशन लिखा गया है, इसको अच्छे से आपको हम पढ़कर दिखाना चाहेंगे। साफ साफ लिखा है, दिस इज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर फॉर आवर कस्टमर टू एक्सपीरियंस हाई स्पीड 5G डेटा, यह कह रहे हैं कि हम अपने ग्राहकों को एक्सपीरियंस करने के लिए 5G डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगला, अनलिमिटेड 5G डेटा इज ओवर एंड एबव योर प्लान लिमिट, यह कह रहे हैं अनलिमिटेड 5G डेटा तभी काम करेगा जब डेली का मिलने वाला 1.5 GB 2 GB डेटा आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक काम करना शुरू करता है। नंबर 3, अनलिमिटेड 5G डेटा कैन ओनली बी यूज इन 5G नेटवर्क एरिया, यह कह रहे हैं कि अनलिमिटेड 5G डेटा केवल आपके एरिया में जब 5G नेटवर्क रहेगा तभी काम करेगा। आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपके एरिया में 5G नेटवर्क है कि नहीं, तो इसके लिए मैं अभी एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगला, दिस ऑफर इज अवेलेबल फॉर ऑल प्रीपेड कस्टमर अन अनलिमिटेड रिचार्ज स्टार्टिंग फ्रॉम 239, जैसा कि मैंने पहले आपसे बता दिया 239 का कम से कम का रिचार्ज होना चाहिए या इससे ऊपर का होगा, तभी आप इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। दिस ऑफर इज अवेलेबल फॉर ऑल पोस्टपेड कस्टमर, यह सुविधा सभी पोस्टपेड कस्टमरों के लिए भी उपलब्ध है, ठीक है, यदि आप इतना सारा कुछ फुलफिल करते हैं। तो नीचे क्लेम नाउ लिखा हुआ आ रहा है, इस क्लेम नाउ वाली बटन पे यहाँ पे दबा के ओके कर दीजिएगा, क्लेम नाउ पे दबा के ओके कर दीजिएगा, यही आखिरी स्टेप है, बस क्लेम नाउ पे दबा के ओके कर दीजिए, यह सुविधा आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। मैं ऑलरेडी पहले से एक्टिवेट कर लिया हूँ, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे हम अपने यहाँ पे प्रीपेड वाली सिम पर जाते हैं और नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आप यहां पे देख पाएंगे हमारे में 5G पैक एक्टिवेटेड है और 5G डेटा का मुझे लाभ भी मिल रहा है जो अभी 28 जून 2024 तक चलेगा, यानी जब तक हमारा रिचार्ज रहेगा तब तक ये सारा कुछ सुविधा भी मिलता रहेगा जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है। एक बात आपको बता दें
आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपके एरिया में 5G नेटवर्क है कि नहीं है? तो इसके लिए आप कस्टमर केयर को कॉल करिएगा 198 पे और उनसे बोलिएगा अपने एरिया का पिन कोड आप बताएगा, वो बता देंगे कि आपके एरिया में 5G सर्विस है कि नहीं है। आइए कुछ इनके टर्म एंड कंडीशन एयरटेल के बता देते हैं। जैसे दोस्तों, जब आपके एयरटेल के नंबर पे अनलिमिटेड मिलने वाली 5G डेटा एक्टिवेट हो जाए तो आपको किसी को हॉटस्पॉट या वाईफाई नहीं देना है। यदि हॉटस्पॉट या वाईफाई दे देंगे तो यह लोग डिडक्ट कर लेते हैं और सुविधा देना आपको बंद कर देते हैं। नंबर टू, देखिए आपको बता दें, हर बार जितने बार, जैसे मान लीजिए इस महीने हमने 247 रुपये का रिचार्ज करवाया, 5G को क्लेम कर लिया और चला रहे हैं, जब अगले महीने रिचार्ज करवाएंगे 247 का, तो फिर हमको इसी ऐप में आके जैसे जैसे मैंने बताया एक्टिवेट करने के लिए, वैसे वैसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके फिर चलेगा। ये नहीं है कि एक बार आपने एक्टिवेट कर दिया तो चलता रहेगा, नहीं, जितना रिचार्ज कराएंगे उतना बार आके एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको मैं यहाँ पर लाइव जूम करके दिखाना चाहूँगा, हमारे नंबर पर 5G चलने लगी है, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।